रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्यों भाई, ये तो फ्री में आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू बाजार इनसाइट। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे तीन ऐसे पेनी स्टॉक को लेके जिन पे इन्वेस्ट करके हम लोग दुगना तिगना और उससे भी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट पा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात वहाँ पर आपको समझना होगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँगा आपके सामने फंडामेंटली और टेक्निकली, तो ईच एंड एवरी वर्ड को सुनिए। पहले बात तो यह है, पूरा वीडियो को देखना है आपको, समझना है, उसके बाद खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से हम लोगों का फास्ट स्टॉक रहेगा उसके अंदर चल पड़ते हैं। पहले तो वो जो स्टॉक रहेगा हम लोगों का वो रहेगा आर्यन लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो पहले बात वो आपको समझना होगा ये क्या बनाते हैं। पहले बात तो ये है, ये AIRAN आर्यन। ठीक है, तो आर्यन लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो हम लोगों का आईटीज के अंदर काम करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर उनका जो बिजनेस होता है क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है उनका जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर ये काम करते हैं। तो ये और उसके साथ जो पेमेंट्स बैंक है, आपको पता है जो डिजिटल इंडिया का जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर पेमेंट्स बैंक का जो सिनेरियो है वो काफ़ी आगे चलते हुए मतलब उसके अंदर ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगा। कहीं ना कहीं इस तरह का जो कंपनियां हैं जो इसके साथ बैकएंड में काम करते हैं, जो आईटी फर्म्स हैं, वो बेनिफिट यहां पर उसको मिलेगा। तो और इसके अंदर पहले इसका फाइनेंशियल को हम लोग देख लेते हैं। ये इसका फाइनेंशियल है और आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है और आप देखिए लास्ट क्वार्टर यानी कि 2021 मार्च का जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर इसने बहुत बढ़िया एक प्रॉफिट रेवेन्यू जेनरेट यहाँ पर किया है लगभग 22 करोड़ के आसपास। तो अब इसका जो परफॉर्मेंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका जो मतलब लास्ट वन ईयर का हाई है वो 36 रुपीस के आसपास कुछ था और अभी ये 27-28 रुपीस के आसपास चल रहा है, यानी कि एक साल का हाई के आसपास ही ये चल रहा है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 331 करोड़ का। ठीक है, तो ये एक बढ़िया हम लोगों का मौका रह सकता है। इसका बुक वैल्यू 7 रुपीस है और कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है 27 रुपीस के आसपास। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स अपने पास 75% स्टॉक होल्ड करके रखे हुए हैं, यानी कि उसके अंदर उसको मतलब खुद को वहाँ पर भरोसा है कंपनी की लेके, तो अपने पास ज़्यादा शेयर वो होल्ड करके रखे हुए हैं। रिटेल्स एंड अदर्स के लिए 25% उन्होंने वहाँ पर एलोकेट किया है। अब इसके चार्ट के अंदर हम लोग एक बार चल पड़ते हैं। तो ये इसका चार्ट है, आप देखिए ये इसका वीकली चार्ट है और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ओपन किया था जब 50 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद वो नीचे चला आया और कहीं ना कहीं अब उसने यहाँ से एक छलान लगाया जो कि बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये 36 रुपीज़ तक गया था, उसके बाद थोड़ा नीचे आके अभी ये 26.7 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल है, आप देख सकते हैं। इसको अगर हम लोग को 23 रुपये यानी कि 23 रुपीज़ के आसपास एक बार मिल जाते हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। और ये पेनी स्टॉक है तो आप इस पर मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपना जो कैपिटल है उसके हिसाब से करें, ऐसा मत कीजिए पूरा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा और जो भी रेट आपको मिल रहा है वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो व्यू है अभी के लिए 23 रुपीस के आसपास अगर आपको मिल जाते हैं तो ये अपकमिंग अगस्त महीना के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन कुछ भी ये 2-3 रुपए इधर उधर अगर आपको मिलता है कोई दिक्कत वाला बात यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो टारगेट मेरे हिसाब से है उसका जो पहले ओपन हुआ था उसको ब्रेक करना चाहिए, यानी कि 52 रुपीस के आसपास इसको एक बार जाना चाहिए जो कि यहाँ से डबल है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का फास्ट व्यू। सेकंड जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा हम लोग का वीवी मेड लैब के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका क्या बनाते हैं, ये क्या काम करते हैं।
तो ये जो है वीवीमेड लैब्स, ये एक फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये भी हम लोगों का जो आप देख सकते हैं 1988 का एक कंपनी है, जिसके अंदर जो जो भी हेल्थ सेक्टर का जो APIs है, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, वो वहाँ पर ये बनाते हैं। तो आपको पता है कोरोना के बाद में हेल्थ सेक्टर के ऊपर, फार्मा सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, गवर्नमेंट का भी ज़्यादा फोकस रहेगा, और यहाँ पर जो सन एंड स्किन केयर का जो इसका जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, कहीं ना कहीं आगे चलते भी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्किन का प्रॉब्लम हम लोगों को दिखाई दे सकता है, और ऐसे कंपनी के अंदर हम लोग ज़्यादा फोकस हो सकते हैं जो कि स्किन केयर की मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और इसका इंग्रेडिएंट बनाते हैं। तो ये हम लोग एक बार देख सकते हैं, इसका जो फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इसका ईयरली फाइनेंशियल है 2021 में, ये भी बहुत बढ़िया 861 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जेनरेट किए हैं। तो ये बहुत बढ़िया हम लोग का मौका रह सकता है। इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें, इसका जो एक साल का हाई है ये 41.50 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 41 रुपीज़ के आसपास इसने काम किया है, और अभी ये 23-24 रुपीज़ के आसपास काम कर रहे हैं। शेयर होल्डर पैटर्न आप देख सकते हैं 30% के आसपास प्रोमोटर के पास है, और रिटेल के अंदर 70% के आसपास हम लोग होल्ड किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसका चार्ट के अंदर अगर हम लोग चल पड़ते हैं, ये इसका चार्ट है, और अब देखिए ये यहाँ पर 152 तक गया था, उसके बाद शार्प फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद दोबारा ये ऊपर जाने का एक स्विंग यहाँ पर बनाया है, एक राउंड शेप जैसे चार्ट के अंदर बनाया है। और ऐसे स्टॉक के अंदर जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो ये वॉल्यूम भी आने लगा है, तो यहाँ पर हम लोगों का एक बहुत बढ़िया मौका है। अगर आपको ये 19 रुपीज़ के आसपास, 19-20 रुपीज़ के आसपास मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ये पेनी स्टॉक है, तो आप कुछ भी रेट, अब एक दो रुपए, 3-4 रुपए इधर उधर मिलता है, तो आप इसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर आपको इसको रख सकते हैं। इसका मेरा जो टारगेट है ये 71 रुपीज़ के आसपास बहुत बढ़िया ये जा सकते हैं, तो यहाँ से लगभग 3 गुना ये यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो इसके अंदर आप फोकस कर सकते हैं वीवीमेड लैब, VIVIMED LAB, ठीक है, तो मैंने उसको लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर आप पोर्टफोलियो के अंदर अपना एनालिसिस करने के बाद इसको जगह दे सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो व्यू हम लोगों का रहेगा उसमें मैं जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को छोटा सा चीज़ मैं बोलूंगा, यहाँ पर मैं डेली बेसिस इंट्राडे स्टॉक को लेकर भी वीडियो डालता रहता हूँ, और उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर अगर आपको फ्री चैनल है वहाँ पर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर डेली बेसिस में आता हूँ और इंट्राडे स्टॉक्स के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी के लोग के लेके भी व्यू देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी कुछ भी पेनी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है मैं यहाँ पर व्यू भी देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब हम लोग थर्ड व्यू की तरफ चले जाएंगे। थर्ड जो हम लोग का व्यू रहेगा वो रहेगा ऊर्जा ग्लोबल जो सोलर कंपनी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका अगर एक बार हम लोग इसका क्या बनाते हैं ये देख लेते हैं, कंपनी डिटेल्स। ये ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, पहले बात तो ये है, और ये अनरिन्यूएबल जो एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर काम करते हैं, यानी कि ये सोलर के ऊपर काम करते हैं, और आगे चलते हुए सोलर एनर्जी हम लोगों का जो बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, आपको पता है ग्रीन को लेके रिलायंस भी इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो ग्रीन एनर्जी उसके अंदर, और ये जो बनाते हैं मेनली सोलर जो LED स्ट्रीट लाइट है, आपको पता है जो स्ट्रीट में लाइट लगाते हैं, अभी ये एक फैशन हो रहा है कि सोलर के अंदर ये गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोलर स्ट्रीट लाइट बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं, और सबसे बढ़िया बात ये है जो ई रिक्शा आया है ना अभी, ये जो आप देख रहे हैं ई रिक्शा, उसका जो सोलर बैटरी है ये ऊर्जा ये बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया 1992 का कंपनी है, बहुत बढ़िया मौका है इसके अंदर। फाइनेंशियल अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर में लगभग इसने 1.5 गुना रेवेन्यू जेनरेट किया है, जो कि है 53.54 करोड़ का, ये आप देख सकते हैं इसका चार्ट, ये कंटिन्यूअस इसके अंदर ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, आपको पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें लास्ट एक साल का, इसका जो हाई बनाया है 9.48 रुपीज़ के आसपास, और ये अभी चल रहा है 7.5 रुपये के आसपास, यानी कि इसका जो लास्ट वन ईयर का हाई है उसके आसपास ही ये चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर,
391 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आगे चलते हुए आपको मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो इसके अंदर फोकस आपको हमेशा रहना चाहिए। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, रिटेल के पास 67%, प्रोमोटर अपने पास 31-32% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसके अंदर धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, 0.5 के आसपास कुछ है। आगे चलते हुए ये इसके अंदर और भी फॉरेन इन्वेस्टर आ सकते हैं, ठीक है। अब इसका चार्ट में हम लोग चले जाएंगे, ऊर्जा ग्लोबल का ये चार्ट है, आप देख सकते हैं ये 10 रुपये के आसपास, 11 रुपये के आसपास ये मेरा टारगेट रहेगा। और अभी आपको अगर ये 5.50 यानी कि 5.5 रुपये के आसपास आपको अगर मिल जाते हैं बहुत बढ़िया है। ये इसका चार्ट है, आप देख सकते हैं बहुत वॉल्यूम आना शुरू हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर आपको ये रेट नहीं भी मिलता है 7 रुपये, 6.5 रुपये, 6.5 इसके आसपास अगर मिल भी जाते हैं तो भी बहुत है। और हम लोगों का जो टारगेट रहेगा आगे चलते हुए इसके अंदर अगले 2-3 मंथ, और उसके मतलब 2-3 मंथ 4 मंथ के अंदर 11 रुपये के आसपास इसके अंदर, यानी कि डबल से भी ज़्यादा इसके अंदर हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, और बात यहाँ पर हम लोगों ने किया है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।